हेलो स्टूडेंट्स, अपैक्स इंस्टीट्यूट विच थोड़ा वेलकम है। आज आपां साइकोलॉजी दा नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इस तो पहला अपने दो वीडियो हो चुके हैं। ये थोड़े सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स दे विच पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपां अज डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22, ये कहते हैं मल्टीपल इंटेलीजेंस की जो थ्यूरी है है ना, ये किस चीज़ से जोर दिंदी है या किस दी गल करती है। अपन ये चंगी तरह पता है कि जो मल्टीपल इंटेलीजेंस दी थ्यूरी है ये किदे द्वारा दिती गई है, गार्डनर द्वारा। गार्डनर इस दे विच की गल करते हैं कि जो भी 8 तरह की अलग अलग तरह की इंटेलीजेंस की गार्डनर गल करते हैं। किसी विच लिंगुइस्टिक इंटेलीजेंस होंदी है ना, किसी विच मैथामैटिकल होंदी है, किसी विच म्यूजिकल इंटेलीजेंस पाई जाती है। भी ये विच अपने विच 8 तरह दी अलग अलग इंटेलीजेंस पाई जाती है। इस करके ये बेस्ट ऑप्शन देखो, आई क्यू की गल गार्डनर ने नहीं की, इनू अपन पढ़न की जरूरत नहीं है। डोमेन की गल नहीं की गार्डनर ने, इस करके अपने को ए और बी दे विचों बेस्ट ऑप्शन आप देखते हैं केड़ी बनती है। देयर आर सैवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलीजेंस, दे आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसिज इन इंटेलीजेंस। वो कहते हैं कि कई तरह की अलग अलग तरह की इंटेलीजेंस होंगी है, ठीक है जी। इस करके बेस्ट ऑप्शन बनेगी ए। यही क्वेश्चन बिल्कुल पंजाबी दे लिखे हुए हैं। बुद्धि दे कई रूप हैं, बुद्धि विच कोई व्यक्तिगत अंतर नहीं है, ठीक है। अपन ये पता है कि 8 तरह की इंटेलीजेंस पाई जाती है, ना उन्होंने अंतर की गल की है, ना आई क्यू की गल की है, ना डोमेन की गल की है। इस करके तीनों ऑप्शन गलत करके आप ऑप्शन नाल जावांगे। हाँ जी, नैक्सट देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस थ्यूरी के प्याजे की थ्यूरी के अपन क्वेश्चन आना ही आना है। प्री ऑपरेशनल जे थोनू याद हो ना, थ्यूरी आप सब ने बहुत चंगी तरह पढ़ी होगी। एस पी सी एफ चार स्टेजिज होंगी है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। ए एस पी सी एफ तो तुसी याद कर सकते हो, प्याजे की थ्योरी दिया चार स्टेजिज है। ए बच्चा ज्ञान इंद्रिया राही सीखद, हजे तक वह दिमाग ये इन्ना विकसित नहीं होया हों। ए बच्चे की जो सोच होंगी है वह सीमित होंगी है। सोच कि होंगी है बच्चे की, सीमित होंगी है। कॉन्क्रीट मूर्त चीज़ों बारे, कॉन्क्रीट कि गल करती है, मूर्त चीज़ों की। फॉर्मल अबस्ट्रैक्ट जो वो सामने नहीं है, अमूरत मूरत चीज़ा आप लवेंगे जिन्हों आप फील और टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अमूरत जिन्हों आप टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो अपनी अमूरत आनगियाँ। जिन्हों आप देख और टच नहीं कर सकते वो अमूरत आनगियाँ। प्री ऑपरेशनल स्टेज डिडक्टिव, हाइपोथेटिक डिडक्टिव ये अपना थोड़ा पता है फॉर्मल दे विच है ना। सीरिएशन जो थोड़ी कंक्रीट है ए सी सी एफ सी सी एस कंक्रीट दे विच तीन याद रखो, सी सी एस क्लासीफिकेशन, कंजरवेशन और सीरिएशन, एक कंक्रीट दे विच आते हैं। इस करके ये नहीं लवेंगे अपना। डिवेलप अबस्ट्रैक्ट जिहड़ियां चीज़ां अपने सामने नहीं है उन्होंने अबस्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये भी अपना फॉर्मल द है। इस करके सेंट्रेशन इन थॉट एदा मतलब की है, सीमित सोच। जिहड़ा तुहाडा प्री ऑपरेशनल है जिहदे विच बच्चे की बुद्धि इन्नी विकसित नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि बच्चे की सोच की होंगी है, सीमित होंगी है। इस करके अपनी बेस्ट ऑप्शन बनेगी जी डी। तीनों नहीं बनदियाँ, बेस्ट ऑप्शन अपनी बनेगी डी। आप डी नाल जावांगे। एक गल कंजरवेशन का मीनिंग थोनू सबनों ही पता होएगा है ना, दो बर्तन है, एक थोड़ा जा लंबा एक चौड़ा ज़्यादा है ना, जिदे विच बच्चा वॉल्यूम दा साइज़ दे अकॉर्डिंग है ना इहनू पता लगता है कि दोनों बर्तना दे विच पानी समान है। तुसी पढ़िया होएगा एक कंसैप्ट कंजरवेशन वाला। कंजरवेशन ते राजे दो पॉइंट्स थोनू लिखन मिलनगे एस दे एग्जाम्पल। सब ने किता हुंदा दो बर्तन, एक लंबा
एक चौड़ा ज्यादा है। जो बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल च होएगा वह समझ लेगा कि दोनों बर्तनों च पानी की मात्रा समान है। प्री ऑपरेशनल च बच्चा ये समझेगा कि दोनों बर्तना दे विच लंबे दे विच पानी ज़्यादा है, चौड़े दे विच पानी घट है। इस करके इहनू आपां बोलदे सेंट्रेशन, सीमित सोच होना। और कंक्रीट दे विच अपनी आंदी है असीमित सोच। ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़े सामने आ रहा है, ये जीन पियाजे, ठीक है राजे, पंजाबी दे विच है। एक बार इन देखो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 कहते इन कॉन्टेस्ट डिवेलपमेंट है ना, वाधा तो विकास आप सब ने किया होंगे, किहड़ा इहदे अकॉर्डिंग सही है। ये आपां नूं पता है वाधा शरीरिक हुंदा है, ये शरीरिक भी हुंदा है ना, और ये हर तरह का है ना, बौद्धिक सारे तरह का वाधा ये शामिल हुंदा है। जो वाधा है ये गिनात्मक हुंदा है, ये गिनात्मक तो गुणात्मक दोनों तरह का हुंदा है। कहिंदे ड्यूरिंग द पीरियड, कहिंदे जो विकास है वो सिर्फ चाइल्डहुड की पीरियड तो ओकरस हुंदा है। डिवेलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, डिवेलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस ऑल कल्चर ऑफ फॉर एवरी मैन। डिवेलपमेंट ओकरस ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल्स। देखो राजे पंजाबी भी आप पढ़ लें, पहला पढ़ो विकास के विचों केड़ा कथन सही है। विकास कहते बचपन के समय ही दौरान शुरू हो जाता है, पढ़ो विकास बहुआयामी है, केड़ा कथन सही है। विकास की हरेक सभ्याचार विच विकास की दर इको जी हुंदी है, विकास केवल स्कूल विच होन वाली सीखन नाल हुंदा है। जे आपां विकास की गल करिए राजे डिवेलपमेंट है ना, ए मां दे पेट तो लैके बूम टू टॉम, ये अपने नाल मरण तक अपने नाल चलता है, ये निरंतर चलता रहता है। गर्भ तो ही अपने माँ के पेट के अंदर ही अपना विकास होना शुरू हो जाता है और मरण तक अपने नाल चलता रहता है। दिल की धड़कन है वो जन्म के टाइम तो ही अपने नाल शुरू हो जाती है। इस करके विकास स्कूल वाला भी नहीं लवेंगे। रेट ऑफ दर सबदी आपां पता है ना कि रेट ऑफ ग्रोथ दर सबदी की होंगी है, अलग अलग होंगी है। रेट ऑफ ग्रोथ सबदी की होंगी है राजे, सेम नहीं होंगी, सिर्फ रेट ऑफ ग्रोथ ही की होंगी है, सबदी की होंगी है अलग अलग होंगी है। ये आप बहुत चंगी तरह सब ने पढ़िया हुआ है। डिवेलपमेंटल इज मल्टी डायमेंशनल या डिवेलपमेंट ओकरस ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। हुणी आप गल करके हटे हैं तो बेस्ट ऑप्शन इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ डिवेलपमेंट। हाँ जी की आना चाहिए आंसर, ये भी नहीं लगा सकते आप क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड बचपन तो नो ही होंगी है ना। इस करके बेस्ट ऑप्शन की है डिवेलपमेंटल इज मल्टी डायमेंशनल, जिन्हों की पंजाबी आप बोलते हैं विकास बहुआयामी है ना। ये हर तरह का विकास, चाहे अपना शरीरिक हो गया, चाहे अपना बौद्धिक हो गया, चाहे अपना भावनात्मक विकास हो गया, ठीक है, चाहे अपना नैतिक विकास हो गया, हर तरह का विकास डिवेलपमेंट चाहता है। इस करके यू आप क्वेश्चन टिक करांगे बी, बी फॉर बैल। नैक्सट देखो जी वेगोस्की की थ्यूरी आ गई, इन्हें सभ्याचार से गल की है। ऑफ लर्निंग इम्फेसिस इंपोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग। वेगोस्की का सीखने का जो समाजिक सभ्याचार दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया में किसनों ज़्यादा इंपोर्टेंस दिता है, चार ऑप्शन है किसनों ज़्यादा इंपोर्टेंस दिता है। देखो वेगोस्की ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन नहीं लवेंगे, संतुलन की गल नहीं करते, विशेषता की गल नहीं करते, ये सभ्याचारक कहते बच्चा सब तो ज़्यादा किस तो सीखता है, समाज तो सीखता है, सभ्याचार तो सीखता है, ठीक है जी। आप पहला भी इनू शायद डिस्कस कर चुके हैं, सोशल कल्चरल लैंग्वेज, जिथे वेगोस्की की थ्यूरी आ गई इन्हों तिना चो कोई भी पॉइंट दिता हो उसनू आपा टिक करना है। सोशल मीनस समाज, कल्चरल मीनस सभ्याचार और लैंग्वेज मीनस भाषा, ये तिना गल्लां ते वेगोस्की जोर दिंदे है। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी इन दिस थ्यूरी ऑफ कॉग्नेटिव डिवेलपमेंट, अगेन जीन पियाजे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि जीन पियाजे तो क्वेश्चन आना ही आना है।
कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ये आपां देखो पढ़ चुके हैं, जोन ऑफ प्रोक्सीमल ZPD, एदी गल कौन करदे है, वेगोस्की, स्टिमुलस रिस्पोंस थोड़े व्यवहारवादी करदे है, पेवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक, हुण इन्हां दोनों चो प्याजे किहदी गल करदे है, हाँ जी पंजाबी च भी देखो फिर आपां आंसर टिक करदे हैं, प्याजे स्कीमा की गल करदे है या मनोविज्ञानिक साधन की गल करदे है, सोचने की जरूरत नहीं है, प्याजे ने किहदी गल कीती है राजे, सी इन्ना टाइम, हाँ जी प्याजे ने किहदी गल कीती है, स्कीमा की गल कीती है, जिथे भी मेंटल कोई भी इनफॉर्मेशन है ना जो अपने दिमाग दे विच पहला जाती है उन्होंने आपां की बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं सिंपल भाषा दे विच, अगर यदि बुकिश लैंग्वेज ना गल करते हुए कोई भी इनफॉर्मेशन दिमाग दे विच अपने सब तो पहला कित्थे जाती है, स्कीमा दे विच जाती है, जिन्ना स्कीमा ये कहिंदे अपना ऑर्गनाइज होगा संगठित होगा उन्ना ही अपना विकास बहुत वधिया होगा, यदि गल कौन करते हैं प्याजे। नैक्सट क्वेश्चन जी, इन एन इनकलूसिव, इनकलूसिव क्लासरूम का मतलब होंदा है जिस दे विच किसी भी बच्चे नाल भेदभाव ना करके टीचर जो अपना पढ़ा रहा है ना, कोई उहदे विच हैंडीकैप्ड बच्चा है, कोई भी है ना, अलग अलग किसी भी बच्चे नाल भेदभाव ना किया जाए, जो टीचर उन्होंने पढ़ाने का तरीका है जो मैथड है अपने अकॉर्डिंग है ना, उन्होंने बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज करके अपने मैथड का यूज करे, वह होंगी है समावेशी सिक्ख्या, इनकलूसिव एजुकेशन। एक बार आपी भी देखो, एक समावेशी जमात विच इन्हां ते जोर दिता जाना चाहिए है, किन्हां ते जोर दिता जाना चाहिए, विद्यार्थियों ना उन्हां दी समाजिक पहचान के आधार पर वक् वक् करना, व्यक्तिगत बच्चों की समर्था वध तो वध करन दे मौके प्रदान करना, प्रदर्शन आधारित टीचे, निर्विघन निर्देश, हाँ जी इंग्लिश भी पढ़ो फिर आप आंसर देखते हैं, समावेशी सिक्ख्या सारे बच्चे एक छत के नीचे मिलजुल के पढ़न, उन्होंने कोई भी भेदभाव ना किया जाए, उन्होंने आप समावेशी सिक्ख्या या इनकलूसिव एजुकेशन बोलते हैं, हाँ जी की आंसर आऊगा, सोशल समाज, कोई भी भेदभाव ना किया जाए, ये तो आप नहीं लै सकते, गोल्स है ना, गोल्स की ये अनडिफरेंट इंस्ट्रक्शन, हाँ जी बेस्ट ऑप्शन केड़ी बनती है, लगा लिया होगा आंसर, व्यक्तिगत बच्चों की समर्था वध तो वध करन दे उद्देश नाल मौके प्रदान करना, जिन्हें भी बच्चे है ना टीचर्स नू चाहिए प्रदर्शन आधारित टीचे, ये भी नहीं होंगे इनकलूसिव एजुकेशन च है ना, और ये भी नहीं होंगे निर्देश, ये होंगे टीचर जो बच्चों करवा रहा है बच्चों के कोई भी भेदभाव ना करके उन्होंने सारे बच्चों एक छत के नीचे एक समान एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और टीचर उन्होंने की करे वध तो वध है ना उद्देश नाल मौके प्रदान करना, कि बच्चे मैक्सीमम समर्था वध तो वध करन दे उद्देश नाल मौके प्रदान करना, बेस्ट ऑप्शन केड़ी बनेगी जी, बैल बनेगी एस दी। नेक्स्ट देखो जी, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज, ठीक है जी, जो विद डिसएबिलिटी एक्ट बने अपना 2000 साल किहड़े बच्चे, अपंग शरीर वाला विद्यार्थी, मंदबुद्धि विद्यार्थी, अभ्यास या शरीरिक, देखो जी बेस्ट की है ये आप ए नाल जावांगे स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसएबिलिटी, ठीक है जी बेस्ट ऑप्शन ये बनती है स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसएबिलिटी। ठीक है, ठीक है जी बेस्ट ऑप्शन ये आप एस नू टिक करांगे। नेक्स्ट जी, सीक्वेंस ऑफ डिवेलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फॉर बर्थ टू अडोलोसेंस, देखो जी ये थोड़ी दो शक है ना जो स्टडी करता है जिन्हों आप बोलते हैं बाल विकास, जिदा थोड़ा नाम है टॉपिक दा चाइल्ड डिवेलपमेंट, जो बाल विकास है ठीक है जी, एक किशोरावस्था तक, ठीक है जी ये किशोरावस्था तक की स्टडी करता है, जिदी सब तो गल पहला किने कीती सी, पेस्टोलॉजी ने कीती सी, सब तो पहला बाल विकास की गल करन वाले कौन है पेस्टोलॉजी, जो गल करता है बूम टू टॉम, ये दो अलग अलग ब्रांचिज है, एदी गल कौन करते है
ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਿਜ਼ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ 56 ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚਿਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਵਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਜੇ ਨਾਲ। ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਪੈਸਟੋਲੋਜੀ। ਪੈਸਟੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਰਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ? ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੌਂਕਰੀਟ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਸੈਂਸਰੀ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, SPCF। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰੀ, ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੌਂਕਰੀਟ ਫਾਰਮਲ। ਹਾਂਜੀ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 29 ਦਾ? ਇਹ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੈਂਸਰੀ ਕੰਕਰੀਟ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਥ ਟੂ ਅਡੋਲੋਸੈਂਸ। ਸੈਂਸਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਐਜ਼। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਜੌਨ ਡੀਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੌਨ ਡੀਵੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਅਬਿਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਗਰੁੱਪ, ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਔਰ ਫੇਲੀਅਰ ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ, ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਟੀਚਰ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕਲਾਸ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਲੈਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਬੀ ਫੋਰ ਬੈਲ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੌਨ ਡੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। Thank you very much.